नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार श्रवण नक्षत्र दिन में 3:15 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र कायम हो जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं। चंद्रमा आज भी मकर राशि में ही रहेंगे जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर आकर्षक धनी और वैज्ञानिक रुचि वाले होते हैं। हर काम के प्रति तत्पर खोजी प्रवृत्ति वाले और धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं। ये समाज और संगठन के प्रेमी जल्दी क्रोधित होने वाले और अपने कार्यों की प्रशंसा के इच्छुक होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज के दिन भी शनि मंगल की युति धनु राशि में, चंद्रमा केतु की युति मकर राशि में और बुध शुक्र की युति मीन राशि में बनी रहेगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज की सक्रियता और परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना और आगे बढ़ना रहेगा। साझेदारी की लाभदायक प्रेरणा और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। आपको अपने खर्चे को नियंत्रित करना चाहिए। घर गृहस्थी से संबंधित खर्चे ज़्यादा होंगे। उत्तेजनात्मक माहौल में या वाद विवाद में सावधानी बरतनी होगी। मन किसी अनजाने भय से ग्रसित रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। अच्छे कामों में पूंजी निवेश का योग बना हुआ है। सावधानी से उचित निर्णय ले सकते हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। नए व्यवसाय की योजनाओं के लिए यात्रा संभावित है। अनावश्यक भाग दौड़ और यात्रा को कम करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए वही काम करें जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। कमर के नीचे, घुटनों व त्वचा से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। परिवार में विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। माहौल को अनुकूल और शांति बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों के लिए अभी समय उचित नहीं होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को आज अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास भी बना रहेगा जो कि आपकी व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ के लिए सहायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कमर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अपनी योजनाओं को कार्य रूप में रूपांतरित करने के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों की साजिश को निष्फल करने के लिए आपको संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा मगर जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। निजी संबंधों में अनबन या तनाव संभावित है। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नई कार्य योजनाओं को विकसित करने में लगाएं। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विभागीय और अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इन सबसे अलग अनावश्यक भयग्रस्तता और चिंता मन में व्याप्त रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। नींद में कमी और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शनि मंगल आपके चौथे घर में और केतु चंद्रमा आपके 5वें घर में चल रहे हैं। अनावश्यक मानसिक दबाव और नींद में कमी संभावित है। आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी।
नए प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थियों के पढ़ाई में मन कम लगेगा। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन और राहु की आपके राशि स्वामी शुक्र पर दृष्टि अंतःस्रावी ग्रंथियों को डिस्टर्ब करने का काम करता है, जिससे शुगर और थायराइड होने की संभावना बनती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां लंबे समय तक रखनी होगी। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद की संभावना या रुकावट का अंदेशा बनता है। धैर्य और सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के पांचवें घर में बुध और शुक्र बैठे हैं और भाग्य भाव में राहु बैठकर अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इसलिए बार बार आपके उत्साह और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहा है। ऊर्जा स्तर तो आपका बरकरार है, मगर कार्य योजनाओं के फलित होने का प्रतिशत कम हो जा रहा है। धैर्य और सक्रियता बरकरार रखें। आपके काम होने में थोड़ा समय लग सकता है। खर्च की स्थिति बनी रहेगी। मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं है। अपने इष्ट देव की पूजा और आराधना को बढ़ा दें, लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को अपने महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अपने ऊर्जा स्तर का इस्तेमाल धैर्य और संयम से सही निर्णय लेते हुए करें। लगभग आपके सभी कार्य पूरे होंगे। नए नए प्रस्ताव की संभावना बनती है, जो लाभदायक रहेगी। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। मकर राशि वाले जातकों के राशि पर आज भी केतु और चंद्रमा का संयोग बना हुआ है, मगर आज आक्रामक व्यवहार और हर काम के प्रति अनावश्यक व्यग्रता और जल्दबाजी महसूस होगी। मगर रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और अंतर्मन का सहयोग बना रहेगा। खर्च की स्थिति को नियंत्रित करना होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और परिवारजनों के साथ तालमेल बिठा कर रखना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय चल रहा है। आर्थिक अनुकूलता आपके बुद्धि कौशल और आत्मविश्वास के अनुरूप मिलती जाएगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना बनी रहेगी। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पेट संबंधी दिक्कतें और त्वचा संबंधी समस्याएं संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके राशि स्वामी बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन और साथ ही राहु की नवी दृष्टि स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव ही बना रह रहा है। फिर भी पहले की कार्य योजनाएँ चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप लाभदायक सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।